वालेकुम व्यूअर्स आज मैं अचारी आलू बैगन की रेसिपी लाई हूँ जो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं तो आइए बनाते हैं खट्टे मीठे आलू बैगन सबसे पहले मैं पैन में मस्टर्ड सीड डालूँगी वन टीस्पून स्पून वन टी सौंफ और वन टीस्पून मेथी दाना इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे फिर हम इसको ग्राइंड कर लेंगे एक पैन रखेंगे उसमें फोर टेबल स्पून उयल डालेंगे ऑयल थोड़ा ज़्यादा है अचारी आलू बैंगन के लिए थोड़ा ऑयल ज़्यादा चाहिए हाफ टी स्पून इसमें अजवाइन डालेंगे वन टीस्पून जीरा पाउडर वन टीस्पून इसमें हम कलवंजी डालेंगे वन टीस्पून स्पून कलवंजी डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे फोर टेबल स्पून हम इसमें ग्रीन चिली डालेंगे बारीक कटी हुई मैंने ये वाली चिली ली है आप अपनी पसंद की कोई भी चिली ले सकते हैं इसको मिक्स करेंगे और टू मीडियम साइज़ के मैंने ऑनियन लिए हैं मैंने बारीक उनको काट लिया वो मिक्स करेंगे इसको हम एक से दो मिनट पकाएंगे अब मैं इसमें बैगन डालेंगे मैंने दो बैगन लिए उनको मैंने काट लिए ये डालेंगे हम इसमें और इसको मिक्स करेंगे इसमें दो आलू डालेंगे ये दो ही आलू हैं बड़े थे इसलिए ज्यादा लग रहे हैं इसको हम मिक्स करेंगे अब मैं इसमें वन टीस्पून नमक डालूंगी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा बैंगन जब आधे बन जाएंगे तो फिर हम इसमें और मिसाले डालेंगे ये बन चुके हैं आधे अब मैं इसमें टू टीस्पून क्रश्ड क्रश रेड चिल्ली डालूंगी वन टीस्पून चाट मिसाला वन टी स्पून मैंगो पाउडर हाफ टी स्पून हल्दी वन टी स्पून जीरा पाउडर और वन टी स्पून धनिया पाउडर ये सारे मिसाले डालेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ये वही मिसाला है जो मैंने ग्राइंड किया था अचार का मिसाला ये भी मैंने डाल दिया इसमें अब इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है ये ये जिंजर पेस्ट है वन टी ये मैंने डाल दिया और टू टेबल स्पून हरा धनिया बारीक कटा हुआ ये भी डाल दूँगी इसमें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे आप ज़रूर ट्राई करें ये अचारी आलू बैगन बहुत अच्छे बनते हैं और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है ये देखें अब मैं इसको पाँच मिनट के लिए इसको मैं कवर कर दूंगी पकाऊंगी ये ग्रीन मिर्ची है, इसके अंदर मैंने चाट मिसाला लगाया और इसको मैं फ्राई कर लूँगी ये अचारी बैगन के लिए बहुत अच्छे लगते हैं ये हमारे बैगन बन चुके हैं और इसके ऊपर हम वन टेबल स्पून एप्पल साइडर विनीगर डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे ये हमारे बन चुके हैं अब हम डिश आउट करेंगे इसको चारी आलू बैगन बहुत ही मज़ेदार बनते हैं आप बनाकर खाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार लगेंगे अगर आप दूसरे दिन खाएंगे तो और ही ज़्यादा मज़ेदार लगेंगे आप ज़रूर ट्राई करें इनको और ज़रूर बनाएं बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये देसी चीज़ देसी अंदाज और देसी मज़ा